जैसा कि आपको मालूम है, आपका जो जेल वार्ड और फायरमैन का एग्ज़ाम था वो आपका सितंबर के लास्ट वीक में होने वाला था, और वो एग्ज़ाम अब उसके लिए एक नई एग्ज़ाम डेट आई हुई है। तो उसे आप कैसे सर्च करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम अपना खोलना है और उसमें जा कर के आपको सर्च करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको सभी जानकारी पूरी बता देंगे आपको कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर गूगल क्रोम में आपको डालना है यूपी पुलिस की वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ गई है, क्योंकि मैं यहां सर्च करता रहता हूं, तो वो साइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी पे जाकर के आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर के पहले नंबर पे मिल जाएगी आपको, तो यहां पे आप क्लिक करना इस साइट पर, तो आप सीधा ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधे ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये साइट अभी खुल रही है, तो ये आप सीधे ऑफिशियल साइट पर आ गए हो और यहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा। तो नंबर 2 पर आप देखिए आपका नोटिस दिया हुआ है, यहाँ नंबर 2 पर, ठीक है। ये जो नोटिस दिया हुआ है लिखा है, यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस पेज को, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो आपको समझने में। देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद एवं महिलाओं के 626 पदों के लिए वार्डर आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 तथा फायरमैन पुरुष के लिए 2026 पदों पर सीधी भर्ती 2016 में ऑफलाइन लिखित परीक्षा कराए जाने के संबंध में सूचना विज्ञप्ति दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके लिए एक नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नोटिस में, इसमें थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ और देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए विज्ञप्ति यहाँ पर दी हुई है, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन सुधार विभाग में पुरुषों के, ये वही लिखा है जो शुरू में मैंने पढ़ा था, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं सीधा। कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3002 पद एवं महिलाओं के 626 पदों के लिए वाडर आरक्षी घुड़सवार पुलिस 102 तथा फायरमैन पुरुष के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अधियाचित पदों पर भर्ती कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु अधियाचन बोर्ड में प्राप्त हुए अधियाचित पदों के सापेक्ष भर्ती कार्यवाही संपादित कराने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करते हुए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, ये हमने जो फॉर्म भरे थे उसके बारे में बता रहा है, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त भर्ती से संबंधित ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में, पहले ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में बता रहे थे, अब ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में एग्जाम डेट दे रहे हैं, प्रस्तावित किया गया है उपयुक्त पदों पर भर्ती के अंतर्गत आयोजित ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही समय अंतरागत की जाएगी, ठीक है। उपर्युक्त सूचना सूचित होकर अभ्यर्थी नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट इतने पर देखते रहें, अवलोकन करते रहें। परीक्षा की तिथि व समय से अभ्यर्थियों को शीघ्र सूचित किया जाएगा कि वो कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल साइट पर आपका ये नोटिस है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर के लास्ट वीक में चला गया है। किस में चला गया है? नवंबर के लास्ट वीक में, ठीक है। तो लास्ट वीक में होगा, यानी कि ये आपका जब नवंबर आपका ख़त्म हो रहा होगा तभी आपका होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फिक्स डेट दी जाएगी जब ये नोटिस यहाँ से जारी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा 2020 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी जानकारी हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में रहने देते ना ही, अब अगली वीडियो में आपको किसी अच्छे नोटिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।